हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1-4 क्वेश्चन हो गए, आज 5th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ये भी जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है। आपको याद हो पिछली क्लास में हमने 4 क्वेश्चन करे थे, सभी में जर्नल एंट्री पास करनी थी। 5th क्वेश्चन से जो आज स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसमें भी जर्नल एंट्री पास करनी है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग, बहुत ध्यान से करेंगे। फर्स्ट एंट्री जो आ रही है, लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 एंड पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अलोक अ पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंस थे जो कि 10,000 पेड कर दिए, और ये किसके बिहाफ पर किए हैं? अलोक के बिहाफ पर, तो ये फर्म का एक्सपेंस नहीं है। विद होम इट वॉज एग्रीड एट ₹7,500, और फर्म जो डिसाइड किया है पार्टनर को देने के लिए वो 7,500 है, यानी फर्म के लिए एक्सपेंस बनता है 7,500 का, बट एक्चुअल एक्सपेंस जो आ गए वो 10,000, इट इज पेड बाई द फर्म। अब कैसे एंट्री होगी देखो, सबसे पहले तो वो लिखो जो फर्म ने पार्टनर को देने के लिए एग्री हुई, 7,500 उसकी एंट्री। फर्म के लिए एक्सपेंस बनता है, यहां लिख दो ए। इसके अंदर दो एंट्री बनेगी, ध्यान रखना। जब भी कोई एक्सपेंस होगा या जब कभी भी कोई लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। लिखो यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 7,500, और 2 कर दो क्योंकि कैश नहीं दिया, आलोक को दिया है पार्टनर को, तो लिख दो आलोक कैपिटल अकाउंट 7,500। और यहां पर आप इसकी नरेशन में लिख दो अमाउंट पेबल टू आलोक फॉर डिसोल्यूशन। एक एंट्री तो देखो ये बन गई, ये तो वो बनी है जो फर्म ने डिसाइड किया कि आलोक के साथ कि हम आपके साथ एग्री कर रहे हैं कि हम आपको 7,500 देंगे, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस कितने के आ गए? 10,000 रुपी के, और इट इज पेड बाय द फर्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? आलोक की। तो फर्म क्या करेगी? आलोक की कैपिटल को डिक्रीज करेगी। देखो जब फर्म दे रही है, कभी भी मैंने आपको बता रखा है कैपिटल क्रेडिट होगी तो हम उसको पे करते हैं, यानी कि फर्म उसको दे रही है, उसकी कैपिटल इंक्रीज कर रही है। अब फर्म ने इनके बिहाफ पर आलोक के बिहाफ पर 10,000 पे कर दिए तो कैपिटल डिक्रीज होगी। लिखो आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसी ए के अंदर दो एंट्री पास करनी है, ध्यान रख लेना, और 2 कर दो यहां पर बैंक जितने की पेमेंट करी। ये रियलाइजेशन एक्सपेंस थे जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी आलोक की, क्योंकि हमने तय किया था आलोक से 7,500 आपको दे देंगे। एक्सपेंस कम आए या ज्यादा है उससे मतलब नहीं है हमारा, एक्सपेंस आ गए 10,000 और पेड कर दिए किसने? ये फर्म ने, तो फर्म उनकी कैपिटल डिक्रीज कर देगी। देखो डेबिट करने का मतलब डिक्रीज करना, और यहां लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक। चलो जी, एक एंट्री तो ये बन गई। देखो इसकी करते हैं इसका बी पॉइंट, बहुत ध्यान से करते जाओ, हर एंट्री को सोच के करेंगे क्यों डेबिट करते हैं क्यों क्रेडिट। बी पॉइंट लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज ₹5,000, इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म विल बियर। बियर मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कभी बियर आ जाए, बॉर्न आ जाए, मेट आ जाए, यानी कि फर्म के लिए एक्सपेंस जो है ओनली 2,000 के हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंस खाली 2,000 आएगा। एंड बैलेंस बाय रविंदर अ पार्टनर, 3,000 को बियर करेगा पार्टनर और 2,000 को बियर करेगा फर्म। टोटल एक्सपेंस कितने के आए हैं? 5,000। देखो एंट्री क्या बनती है इसकी, यहां पर लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जितने के फर्म ने बियर करे, टोटल 5,000 का एक्सपेंस। अच्छी तरह से नोट कर लो, लिखा हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 है, फर्म बियर करेगी ओनली 2,000 और रेस्ट अमाउंट बियर करेगा रविंदर पार्टनर है आपका। डेबिट कितना अमाउंट आ जाएगा? 3,000। ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ लो, और 2 बैंक। आप एक पॉइंट और नोट करो, जब कभी भी किसी रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं लिखा होगा कि कौन पे करता है, तो हम ये मान के चलेंगे इट इज पेड बाय फर्म, तभी देखो हमने बैंक को क्रेडिट किया। बियर करना अलग है, याद रख लो, पेड करना अलग है। जब कभी भी क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे किए, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि कौन पे कर रहा है, हम ये मान के चलेंगे फर्म ने पे कर दिया। फर्म के लिए एक्सपेंस बन गया कितने का? 2,000 का, और पार्टनर का कितने का बन गया? 3। जैसे देखो हम अब ये पार्टनर को उसकी कैपिटल डिक्रीज कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेंस किसके थे? पार्टनर के, और किसने पे कर दिए? फर्म ने, जैसे ऊपर भी कर रखा है। देखो जरा अब इसकी नरेशन लिख दो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड बाय फर्म, लिख दो फर्म शेयर ऑफ एक्सपेंसेज ₹2,000
डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंस रविंदर अकाउंट जी, ये नरेशन बन गई इसकी। तो बहुत अच्छा पॉइंट था, बड़े ध्यान से करते जाना। टोटल 5000 का एक्सपेंस था, क्लियर लिखा है रुपी 2000 बियर बाई फर्म, तो 2000 फर्म में आ जाएगा, बैलेंस जो है पार्टनर में। अब इसका थर्ड पॉइंट करते हैं। पॉइंट के अंदर देखो, सी पॉइंट में लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रुपी 10000 वर पेड बाई अमित द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। ये एक्सपेंस किसके थे, किसके बिहाफ पर अमित पे कर रहा है, फर्म के बिहाफ पर। फर्म का एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10000 रुपी। अच्छा, हमारी फर्म का बैंक नहीं गया, या तो नीचे बैंक लिखा जाएगा या पार्टनर का नाम याद रख लो। फर्म पे करती तो बैंक करते, उसके बिहाफ पर कोई पार्टनर करता है तो पार्टनर का नाम लिख दो। लिख दो अमित कैपिटल अकाउंट 10000 और नरेशन लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अमित ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। चलो जी, ये क्वेश्चन हो गए। ये तो हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन था, रियलाइजेशन से रिलेटेड थे एक्सपेंस। आप याद रख लो, जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेज या तो फर्म बियर करे या साइलेंट हो, तो इट इज बियर बाय द फर्म होगा। और पार्टनर कभी भी बियर करेगा तो रियलाइजेशन में नहीं आएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन था, टोटल 5000 रुपी थे, 2000 फर्म ने बियर करे तो रियलाइजेशन में कितने आ गए 2000, और दूसरा किस में चले गए पार्टनर कैपिटल, उसकी कैपिटल डिक्रीज करेंगे क्यों, उनका एक्सपेंस बन गया ये। इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के थे 10 और इट इज बियर बाय द फर्म, क्लियर लिखा हुआ है, बट पेड बाय द अमित, तो अमित का नाम आ जाएगा लेकिन रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं सिक्स्थ। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेज। नीचे कुछ केसेज हैं जिनमें जर्नल एंट्री पास करनी है। कहता है क्रेडिटर ऑफ रुपी 85000 एक्सेप्टेड रुपी 40000 एज कैश एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपी 43000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर थे हमारे 85000 के, उन्होंने हमारी असेट्स को टुक ओवर किया, उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते, याद रख लेना। हम उनको कितना पे करते हैं उसकी एंट्री पास करेंगे। कितना पे किया हमने 40000, तो एंट्री क्या बनती है देखते जाओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये देखो, जितने की पेमेंट करी वो दिखाएंगे, असेट्स की टुक ओवर की कोई एंट्री नहीं होगी। कभी भी कोई लायबिलिटी होल्डर फर्म की असेट्स को टुक ओवर करेगा, उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। यहां लिखो टू बैंक, कितने अमाउंट की है, टोटल 85000 के थे, कुछ तो उन्होंने हमारी असेट्स ले ली और कुछ हमसे कैश ले लिया, जो कैश लिया वो आ जाएगा यहां पर। अब यहां लिखो आप नरेशन के अंदर क्रेडिटर ऑफ रुप 5000 लिख दो सेटल्ड बाय गिविंग कैश एंड इन्वेस्टमेंट। चलो जी, ये नरेशन बन गई। हमने 85000 के क्रेडिटर को सेटल्ड कर दिया इन्वेस्टमेंट देकर और अमाउंट पे कर 40000, जो अमाउंट पे करा उसकी एंट्री पास करेंगे। अब आगे करते हैं बी पॉइंट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और क्लियर होने शुरू हो जाएंगे पॉइंट। बी पॉइंट में देखो क्रेडिटर से रिलीवेंट ही है। कहता है क्रेडिटर वर रुपी 16000 दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड रुपी 80000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। यानी कि उनका सेटलमेंट हो गया, चाहे मशीन कितने की थी हमारी उससे कोई लेना देना नहीं, उन्होंने टेक ओवर कर ली। तो मैंने अभी आपको बताया, कभी भी कोई लाइबिलिटी होल्डर मीन्स क्रेडिटर लाइबिलिटी होल्डर है, इन्होंने फर्म की असेट्स ली है, उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते। जैसे इसमें भी नहीं करी थी हमने इन्वेस्टमेंट की। इस क्वेश्चन में पूरे में लिख दो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। चलो जी, ये एंट्री, ये इसकी बनती है, इसके अंदर कोई एंट्री नहीं बनती, ध्यान रख लो। जब भी कभी हमारा कोई भी लाइबिलिटी होल्डर जिसको हमने पेमेंट करनी है वो हमारी असेट्स को टुक ओवर करेगा, उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते। क्यों नहीं करते, लॉजिक भी है ना, तो फर्म के पास कोई कैश आया ना फर्म के पास से कोई कैश गया, इसलिए उसकी एंट्री पास नहीं है। अब सी देखो, इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड में अच्छा पॉइंट लिखा है क्रेडिटर ऑफ रुपी 90000 दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड एट रुपी 120 की बिल्डिंग है और फुल सेटलमेंट नहीं है। कहता है एंड पेड कैश टू द फर्म रुपी 30000। हमारी बिल्डिंग जो थी 120 की थी, लेकिन वो क्रेडिटर ने टुक ओवर कर ली, जिनको हमने देने थे 90, वो कह रहे हैं हम 30000 आपको कैश दे देंगे, हमें बिल्डिंग दे दो क्रेडिटर। तो फर्म के पास कैश आ रहा है, लिखो यहां पर। हम बैंक भी लिख सकते हैं और कैश भी, आप याद रख लेना, मैं ऑब्लिक करके लिख रहा हूं ऐसे ही। जर्नली बैंक लिखते हैं तो इसलिए बैंक लिख दिया। कितना अमाउंट 30000 जितना आया फर्म के पास टू रियलाइजेशन। जब भी असेट्स से रियलाइज होगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, लायबिलिटी को जब भी पे करेंगे या एक्सपेंस पे करेंगे तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। ये राजा से
यहां पर क्रेडिटर ही हमें दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारी ज्यादा अमाउंट की चीज लेके जा रहे हैं, बिल्डिंग को लेके जा रहे हैं जिसकी वैल्यू है 1,20,000। 30 कैसे आया ये भी समझ लो, ये 120 है, उनको देने हमने बस 90,000 थे, तो वो कह रहे हैं 30 हम आपको कैश दे देंगे, बिल्डिंग दे दो हमें। तो फर्म के लिए, फर्म ने तो सेल आउट करना है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, हर चीज को वाइंड अप करना है, हमने तो बेचना है। क्रेडिटर कह रहे हैं ये बिल्डिंग हम ले लेंगे, लेकिन क्रेडिटर को देना कितना था बस हमने 90, तो हम कहेंगे कि हमने तो हमारी चीज तो 120 की है, क्रेडिटर कह रहे हैं 30 हम आपको कैश देते हैं, तो कैश डेबिट कर दिया, 2 कर दो यहां पर रियलाइजेशन, क्लियर है, ये आ गया। अब इसकी नरेशन लिख दो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर फॉर टेकिंग द बिल्डिंग। चलो जी, ये तो बन गया इसकी नरेशन। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन, 7th करते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझते जाओ, जैसे जैसे आप देखो आगे बढ़ते जा रहे हो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। हर जर्नल एंट्री सोच के करो, देखो रियलाइजेशन जर्नली आपको दो ही केस में डेबिट में दिखेगा, या तो कोई एक्सपेंस पे कर रहा हो या जो है फिर जो है लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हो। और क्रेडिट कब दिखेगा, या तो कोई फर्म के लिए इनकम हो या असेट्स को सोल्ड आउट कराओ। आप यहां देख लो, ये रियलाइजेशन डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर क्या था, हम लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्लियर है। अब करते हैं एक और क्वेश्चन, 7th, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे इसको। लिखा है चारू धवनी इकनूर एंड पवनी वर पार्टनर्स इन ए फर्म, चार पार्टनर बता रखे हैं, दे हैड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फर्म लास्ट ईयर ओनली थ्रू ए वर्बल एग्रीमेंट, और वो लास्ट ईयर ही पार्टनरशिप बनाई है उन्होंने, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल इन द फर्म ड्यू टू मीट अदर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, फ्यू पार्टनर ऑल्सो प्रोवाइडेड लोन टू द फर्म। पार्टनर ने कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रखी है और कुछ पार्टनर ने फर्म को लोन भी प्रोवाइड कर रखा है। विद इन ए ईयर देयर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज़न ड्यू टू सर्टेन डिसएग्रीमेंट एंड दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। एक साल के अंदर ही उनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो गए और उन्होंने डिसाइड कर लिया फर्म को डिसॉल्व करने का। फर्म हैड अपॉइंटेड मिस काव्या, उन्होंने काव्या को अपॉइंट किया, हु इज ए फाइनेंशियल एडवाइजर एंड लीगल कंसल्टेंट टू कैरी ऑन द डिसॉल्यूशन प्रोसेस। डिसॉल्यूशन प्रोसेस के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर को अपॉइंट किया। इन द फर्स्ट इंस्टेंट मिस काव्या हैड ट्रांसफर्ड वेरियस असेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट में उन्होंने असेट्स को और लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर रखा रियलाइजेशन में। नेक्स्ट, ड्यू टू हर बिजी शेड्यूल मिस काव्या हैज डेलीगेटेड दिस असाइनमेंट टू यू बीइंग एन इंटर्न इन हर फर्म। ऑन द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन, जब डिसॉल्यूशन की डेट आई, यू हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, और ये ट्रांजेक्शन बता रखे हैं जिनकी जर्नल एंट्री करनी है। लिखा है धवनी लोन टू द फर्म वॉज सेटल्ड बाई पेइंग 42,000। धवनी का लोन जो कि था तो 50 का, लेकिन सेटलमेंट कितने की हो गई, 42 की। उसके बाद फिर ऐसे ही चार ट्रांजेक्शन है और नीचे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर ऑल ऑफ द अबव मेंशन ट्रांजेक्शन। अच्छा, आप याद रखो, जो रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स का लोन कभी ट्रांसफर नहीं करते, एक्सेप्ट किस केस में ट्रांसफर करते हैं, या तो उसके लोन से फर्म को प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, या फिर वो फर्म की कोई असेट्स को या लायबिलिटी के साथ एडजस्टमेंट हो रही हो। तो आप एक एक एडजस्टमेंट को करेंगे तब समझ आएगा। लिखा हुआ है धवनी लोन ऑफ रुपी 50,000, कितने का लोन है, 50,000 का। वॉज सेटल्ड बाई पेइंग, कितना पे किया हमने, 42, तो 8,000 का गेन दिख रहा है, वो रियलाइजेशन में आ जाएगा। एंट्री देखो कैसे होगी, सबसे पहले लोन डिस्चार्ज करेंगे तो लोन को डेबिट करो, क्योंकि लायबिलिटी जब भी डिक्रीज है डेबिट होगी। लिखो धवनी लोन, कितने का लोन दे रखा है, नोट कर लो, लोन आपको दे रखा है 50,000 का, जितने की पेमेंट करी वो क्रेडिट करो, डिक्रीज हो रहा है बैंक आपका, बैंक लिखो या कैश, एक ही मीनिंग है, मैंने आपको बताया था। 42,000 प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, प्रॉफिट, देने तो थे कितने उसको 50, बट दे कितने रहे ओनली 42, तो प्रॉफिट जितने भी होंगे क्रेडिट लिखते हैं, मैंने आपको बताया। रियलाइजेशन अकाउंट 8,000 रुपये लिख दो, खत्म हो गया। ये तो फर्स्ट एंट्री थी, हमने डेबिट क्यों करा वो कॉन्सेप्ट भी समझ लो। जब भी आप लायबिलिटी को डिक्रीज करोगे, हमारी जर्नल एंट्री पे चलो, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज है तो क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज है तो डेबिट। आज ये डिक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि इसको पे ऑफ कर रहे हैं। ये बैंक क्या है, हमारी असेट्स, जब भी डिक्रीज होगी क्रेडिट होगी, क्योंकि पैसा जा रहा है हमारे यहाँ से। और प्रॉफिट और लॉस के केस में याद रख लो, रियलाइजेशन जब भी क्रेडिट दिखेगा या तो प्रॉफिट के केस में दिखेगा, और या असेट जब सेल आउट कर रहे होंगे तब दिखेगा। अब इसकी नरेशन लिख दो, क्या लिख दो, धवनी लोन ऑफ रुपी 50,000 सेटल्ड एट 42,000, क्लियर है। ये तो एक एंट्री बन गई, अब इसकी सेकंड करते हैं। सारी एंट्री इसकी अच्छी आ रही है, याद रख लेना, लोन से रिलेटेड है। अब सेकंड एडजस्टमेंट आ रही है, लिखा है पवनी लोन ऑफ रुपी 40,000 वॉज सेटल्ड बाई गिविंग एन अनरिकॉर्डेड असेट्स।
पवनी का लोन को सेटलमेंट हो गई है। मैंने आपको बताया जर्नली पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं आएगा। कब आएगा? या तो उससे प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, या फर्म की वो असेट्स को टुक ओवर कर रहे हैं। तो लोन तो डिस्चार्ज हो रहा है पवनी का, तो वो तो पहले डेबिट लिखो 40,000 का, उन्होंने हमारी असेट्स को टुक ओवर कर लिया जो कि अनरिकॉर्डेड थी, तो ये तो डिक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट कर दिया। अब क्योंकि असेट्स आनी थी हमारे पास, अनरिकॉर्डेड असेट्स है जो कि आनी तो थी, कैश में बिकनी थी, लेकिन वो इन्होंने टुक ओवर कर ली, तो अल्टीमेट यहां क्या लिख देंगे, टू रियलाइजेशन। 45 से हमारा कोई लिंक नहीं है, नोट कर लेना, अनरिकॉर्डेड असेट्स है, बुक में कहीं रिकॉर्ड नहीं है। अरे इस लायबिलिटी होल्डर नहीं है, लायबिलिटी होल्डर ही है हमारा, ये देखा जाए पवनी लोन, हमने इनको पे करना है, ये कह रहे हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स मेरे को दे दो, लोन सेटल हो जाएगा यहाँ, तो ये चीज क्लियर हुई। यहाँ इसकी नरेशन लिख दो, पवनी लोन सेटल्ड बाई गिविंग अनरिकॉर्डेड असेट्स। चलो जी अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट में देखो क्या लिखा है, बहुत अच्छा पॉइंट है, थर्ड ध्यान से देखते हैं। लोन टू चारू ऑफ ₹60,000, चारू को फर्म ने लोन दे रखा है, इसका मतलब फर्म चारू से अमाउंट लेगी 60,000। वॉज सेटल्ड, कैसे सेटलमेंट हुई, बाई पेमेंट टू चारू ब्रदर्स लोन ऑफ द सेम अमाउंट, और फर्म ने एक तरफ चारू के ब्रदर को लोन की पेमेंट करनी है, तो फर्म के पास एक तरफ तो चारू से अमाउंट आएगा, दूसरी तरफ जो है उसके ब्रदर के लोन के अमाउंट पेमेंट कर दी, ये आपस में दोनों की सेटलमेंट हो गई। कैसे एंट्री करते हैं देखो, जब भी कोई लायबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे तो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा, लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट है 60,000। अच्छा अब यदि फर्म पे करती तो टू बैंक लिखती, कोई पार्टनर करता तो पार्टनर का नाम लिखेंगे, अब किसने पे कर दिया, वो लोन टू चारू, तो लिख दो लोन टू चारू। क्लियर हो गया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये कितना अमाउंट है 60। और अब इसकी नरेशन लिख दो, लोन टू चारू वॉज सेटल्ड बाई पेइंग। चलो जी ये नरेशन बन गई, क्लियर है, तो काफी अच्छी एंट्री थी ये, बड़े ध्यान से देखना ये वाली एंट्री। अब करते हैं इसकी लास्ट एंट्री, फोर्थ जो एंट्री आ रही है, मैंने ए बी सी डी लिखा, आप 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे। उसके अंदर लिखा हुआ है देखो, इकनूर लोन ऑफ ₹80,000 टू द फर्म, यानी कि फर्म ने लोन ले रखा है इकनूर से, एंड शी टुक ओवर मशीनरी ₹60,000 एज पार्ट पेमेंट, और उसने मशीन टुक ओवर कर ली। तो कैसे करते हैं जरा देखो, जरा यहां पर लिखो इकनूर लोन, जितने का लोन है पहले वो लिख दो, कितने का लोन है 80,000, तो 80,000 लिख दो। लोन डिस्चार्ज हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट हो रहा है। अच्छा जब भी कोई असेट से अमाउंट रिलीज होगा तो रियलाइजेशन लिखते हैं, वर्ड याद रख लो, तो यहां लिखो रियलाइजेशन, क्योंकि ये मशीन टुक ओवर हो गई। इसको दूसरे तरीके से भी अभी समझाने की करते हैं आपको, देखो जरा, लेट करो मशीन को मार्केट में सेल करें तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन नहीं लिखते, रियलाइजेशन लिखते हैं। अब वो हमारी बैंक नहीं है, लोन वाले ने टुक ओवर कर ली, तो मशीन रियलाइजेशन आएगा, और साथ में हमने उसको कुछ पार्ट पेमेंट करी है 20,000 की, वो भी लिख दो, बैंक लिख दो या कैश, दोनों ठीक है। क्लियर, चेक लिखा है तो हमेशा ही बैंक लिखना चाहिए, और यदि कुछ नहीं है तो हम कैश भी लिख सकते हैं और बैंक भी, तो ये एंट्री बन गई। अब यहाँ लिख लो इकनूर्स लोन सेटल्ड बाय गिविंग मशीन एंड कैश भाई। तो अब हमारा अब ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, ये 7th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोन से रिलेटेड पॉइंट थे, अच्छी तरह से आपने इसको करना है। किसी भी तरीके का कोई डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।